प्रिय दोस्त गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन मैं प्रतियोगिता दर्पण डालता हूँ और क्रॉनिकल का जो क्वेश्चन है इसको निश्चित रूप से देखेंगे। परीक्षा के लिए भी आए कल लगभग 40 से 45 क्वेश्चन डाले से आज 50 क्वेश्चन लगभग डालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दिसंबर 2022 में आयोजित दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसका है? उर्सुला वान डर लियोन। नेक्स्ट, अमेरिका के नए बमबर्सक वाई वन को दिसंबर 2022 से प्रस्तुत किया गया, इसका नाम क्या है? B-21 रेंडर। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के कौन सा ज्वालामुखी 2022 में सक्रिय हुआ? माउंट सेमेरू। नेक्स्ट, पेरू के किस महिला राष्ट्रपति दिसंबर 2022 में बनाया गया? टीना बोलुआ। नेक्स्ट, द टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट, जापान की किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए रवाना हुआ? वन स्पेस। ईरान के किस संयुक्त राष्ट्र आयोग से दिसंबर 2021 से निष्कासित किया गया? कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वोमेन। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ऑपरेशन वन मिशन की कौन सी स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी कर धरती पर वापस लौटा? ओरियन स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट, 2023 से 20 हॉकी कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। नेक्स्ट, आयरलैंड की प्रधानमंत्री दिसंबर 2022 में कौन चुनी गई? लियो बोडेका। नेक्स्ट, इक्रोनिकल का क्वेश्चन मैं फरवरी का डाल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष यादव। नेक्स्ट, योगेंद्र के अलग पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनकी मृत्यु हो गई किस क्षेत्र के विद्वान थे? अर्थशास्त्र के। नेक्स्ट, ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर जिनकी मृत्यु दिसंबर 2022 में हुई उनका नाम क्या था? पेले। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इंग्लिश में मिला अनुराधा राय, इनकी कृति है पुस्तक है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव। हिंदी में साहित्य में बद्री नारायण, मराठी साहित्य में प्रवीण बांदेकर। नेक्स्ट, संगम अभ्यास 2022 किसके बीच हुआ? भारतीय नौसेना तथा US नेवी के बीच हुआ। हाल ही में इंग्लैंड में कौन सा लेग स्पिनर का पदार्पण मैच में ही 5 विकेट लेने वाला सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बने? रेहान अहमद। हाल ही में कौन पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का अधिकार सरदार बना? टाटा स्टील। नेक्स्ट, भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र क्रॉप्स किस स्थान पर सुदर्शन प्रहार अभ्यास प्रारंभ हुआ? राजस्थान के रेगिस्तान में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नवंबर 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया? जोस बटलर इंग्लैंड और सदीरा उस्मान पाकिस्तान। नेक्स्ट, फिट एट एनी एज अमरेसल PV Tire। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी 75 कमांडर रंजीत राय। स्लीपिंग डॉग आर्चन सर्टर्ड। नेक्स्ट, 17 दिसंबर 2022 से बंगलुरु के किस स्टेडियम में दृष्टिबाधित मैच हुआ? बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2022 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा तेलंगाना के राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा गया? भारत राष्ट्र समिति। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2022 को उड़ीसा के CM ने उड़ीसा के झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 के अंत तक। नेक्स्ट, आदित्य मित्तल भारत के कैमिक ग्रैंड मास्टर बने 77। नेक्स्ट, पेरू के लीमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 विश्व नंबर 3 खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता? सुकांत कदम। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित विश्व वेटलिफ्टिंग के महिलाओं के 54 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। नेक्स्ट, UP में कुल कितने विधानसभा सीट है? 403। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, BJP को 225 सीट आया और समाजवादी पार्टी को 111। उत्तराखंड में कुल सीट 70। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, BJP 47 और कांग्रेस आपको 19 आया। नेक्स्ट, गोवा में कुल विधानसभा सीट 40। मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत, BJP 20, कांग्रेस 11। मणिपुर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? मणिपुर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60। मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह,
बीजेपी लाई, बीजेपी के कुल सीट 32 और कांग्रेस 5। नेक्स्ट, पंजाब में कुल विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 117। मुख्यमंत्री भगवत मान, आम आदमी पार्टी 92। नेक्स्ट, 2022 के लिए बीसीसीआई के कितने पुरुष और कितनी महिला खिलाड़ी को अनुमंदित किया गया? 27 पुरुष और 17 महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट, पुरुष क्रिकेटर ए प्लस श्रेणी के खिलाड़ियों की संख्या की रकम कितनी है? 67 करोड़ रुपया। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, इनको 67 करोड़ रुपया देने की बात 67 करोड़ रुपया देने की बात की गई है। ये किसके हैं? आपको पुरुष क्रिकेटर ए श्रेणी के खिलाड़ी है उनको। अगला ए प्लस के। नेक्स्ट, ए श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या है? ए श्रेणी के खिलाड़ियों की संख्या आपको माई के मैगजीन है 5 खिलाड़ी, आर अश्विनी, के लाहौर, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, इनको 5 करोड़ रुपया। बी श्रेणी के कितने खिलाड़ी को कितना रुपया दिया जाएगा? 7 खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपया। 7 खिलाड़ी का नाम चतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, अजिंक रहाणे, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिरान, ईशान शर्मा। नेक्स्ट, सी श्रेणी के कितने खिलाड़ी और कितने करोड़ रुपया दिया जाएगा? 12 खिलाड़ी और 1 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, महिला खिलाड़ी की ए श्रेणी में कितना रुपया एवं कितना खिलाड़ी? 50-50 लाख रुपया 5 खिलाड़ी को। हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव, रायश्री गायकवाड़, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, बी श्रेणी में 5 खिलाड़ी को 33 लाख रुपया, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर, शेफाली वर्मा, तन्या। सी श्रेणी के कितने खिलाड़ी को कितना रुपया? 7 खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। पूनम रावत, अर्धुंती रेड्डी, हरनील देओल, शिखा पांडे, जेमी महारोड्रिक्स, रिचा घोष और स्नेह राणा को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक सियोल पीपुल्स पावर पार्टी के हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-21, कुल देश आपको 146, भारत का स्थान 136, पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाता है? समाधान नेटवर्क। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों की सूची में प्रथम 1921 की आंकड़ा है। प्रथम है भारत, सिप्री के हथियार जो आयात करता है, प्रथम भारत, दूसरा सऊदी अरब, तृतीय मिस्र, चतुर्थ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक स्वर प्रदूषण वाले 61 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर? 5 शहर। सर्वाधिक स्वर प्रदूषण वाले विश्व के 4 शहर सर्वाधिक स्वर प्रदूषण, ढाका, मुरादाबाद, इस्लामाबाद, राजशाही और बांग्लादेश। सबसे कम सौर प्रदूषण वाले 3 शहर इरविड जॉर्डन के हैं, लियोन फ्रांस के हैं, मैड्रिड स्पेन के हैं। नेक्स्ट, यूएन के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में विश्व के 165 देशों में भारत का स्थान कितना है? आपको 120, प्रथम 3 देश फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क और 165वां केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट, मार्च 2022 के अंत तक आरबीआई के पास कितने अरब डॉलर के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है? 617 अरब डॉलर। नेक्स्ट, इड़ा के नए चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टर ऑपरेटिंग के नए चेयरमैन कौन है? संजय भूषण पांडे। नेक्स्ट, भारत में रूस के नए राजदूत कौन बने? डेनिस ओलिपो। नेक्स्ट, भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने? शंकर प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी के नए चेयरमैन कौन बने? हिरसाली टुक्सी। नेक्स्ट, नाटो के महासचिव कौन है जिनका कार्यकाल सितंबर 2000 तक रहेगा? जेम्स स्टॉल्टनबर्ग। नेक्स्ट, पोलैंड के विश्व सुंदरी 2021 में कौन बनी? कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट, बाफ्टा फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनेता जॉन स्कॉल और विली स्मिथ। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा अभिनेता विली स्मिथ, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, निर्देशक जेन कैंपियन। नेक्स्ट, बीबीसी के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? मीराबाई चानू। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक सह सीईओ बनाया गया? आशिक चौहान। नेक्स्ट, फ्रेंच ब्रेडमैन पुस्तक एनी टेलर। नेक्स्ट, द कमीशन फॉर लास्ट कॉजेज अरुण सोरी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन
से वहाँ हो रहे भारतीयों को विशेषकर मेडिकल छात्रों को स्वकुशल वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है? चिनाव नदी पर। नेक्स्ट, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भारत के बैंकों को टीवी मुक्त टीवी मुक्त करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। योग गुरु जिसने 125 वर्ष की आयु में मर गए तब उनके पद्म श्री सम्मान दिया गया, शिवानंद। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रणव प्रशांत देसाई। नेक्स्ट, भारत पुरुष टेप शूटिंग टीम की ने मार्च 2022 में शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट धन आवंटित किया? केरल। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक 2022 में कहां हुई? वार्षिक बैठक 2022 मेरे दोस्त इस्लामाबाद में हुई। आपको क्रोनिकल का क्वेश्चन और इसका प्रत्युत्तर दर्पण का क्वेश्चन मैंने डाला, लगभग 60 से 70 से अधिक क्वेश्चन होंगे, आप देख लेंगे और इसको आप निश्चित रूप से 2-3 बार सुन लेंगे, दिमाग में याद हो जाएगा। अब फिर हम हिंदू पेपर का एनालिसिस करते हैं। कल हर पेपर मैंने बनाया है तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया, जानते हैं तुर्की में भूकंप आया, वह 3 बार भूकंप आया, 7.8 रिचर स्केल, 7.5 रिचर स्केल और फिर इससे कम आया, तो बड़ी डिजास्टर हुआ। लगभग दिया गया है, इन्हें पेपर में लिखा गया है कि 2600 व्यक्ति मारे गए, लेकिन तुर्की में 4000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इसके तुर्की ने सहायता मांगा है, भारत ने आगे बढ़कर खुलकर तुर्की को सहायता दिया है, मेडिकल टीम भेजा है और जो आर्थिक सहायता होगी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि तुर्की को हम निश्चित रूप से आर्थिक सहायता देंगे, भारत सरकार ने घोषणा किया है। एक क्वेश्चन है चाड झील के विषय में, चाड झील कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री है। सहारा जो मरुभूमि है इसके उत्तरी साइड में चाड झील स्थित है। इसके जो झील के सटे हुए देश है कैमरून है, नाइजीरिया है, इस झील के सटे हुए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस झील में पहले सिंचाई होता था और सिंचाई के साधन से लोग अपने खेतों में सिंचाई का साधन करते थे, लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ है, झील के पानी सूखते जा रहा है, यानी वाटर क्राइसिस हो गया है। पहले लोग इस झील से पीने का पानी का भी उपयोग किया करते थे, लेकिन झील में पानी तेजी गति से सूख रहा है, जिस कारण वहाँ की सरकार की दक्षिण अफ्रीका की सरकार के सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और झील के सूखने का सबसे बड़ा कारण बताया गया क्लाइमेट चेंज। अभी वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के कारण झील की गति तेजी गति से सूख रही है। तो आपको चाड झील कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। तो चाड झील के विषय में आपको हम चर्चा किए कि चाड झील कहाँ है, आपने समझा कि चाड झील साउथ अफ्रीका में चाड झील है। तो इसके विषय में आप देखिए एनसीपी का रिपोर्ट आया है, अब एनसीपी रिपोर्ट दिया है कि अंटार्कटिका के अंदर लगातार बर्फ की कमी होती जा रही है। अंटार्कटिका के अंदर क्या है, बर्फ की लगातार कमी होती जा रही है। अंटार्कटिका के अंदर बर्फ की कमी होने का मुख्य कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज। बर्फ पिघल रहा है और बर्फ पिघलने के कारण कि पानी में तब्दील हो रहा है और पानी में तब्दील होने के कारण सबसे बड़ा कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज है जिस कारण कि अंटार्कटिका में बर्फ बहुत कमी हो रहा है। एक और है प्लास कैट माने बिल्ली। यह जो बिल्ली है, जो आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैंने लिया है, यह जो बिल्ली है वह हिमालयन क्षेत्र में देखा जाता है, इसको छोटी वाइल्ड कैट भी कहते हैं, या एशिया में पाया जाता है, या ज़्यादातर मंगोलिया और चाइना में इस प्रकार की बिल्ली पाई जाती है। इसके विषय में यहाँ पर इसने चर्चा किया है, बिल्ली के विषय में चर्चा किया है कि बिल्ली कहाँ पाई जाती है, आपको एशिया में पाई जाती है। तो इसके विषय में जानकारी लेना आपको निहायत जरूरी था, आपको मैं जानकारी दी। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कुछ कम था जिस कारण की कम डाले। फिर अगले दिन फिर प्रत्युक्ता दर्पण और क्रॉनिकल को लगातार चलते रहेगा, 2 दिन के अंदर हम लगभग 500 क्वेश्चन डाल देंगे। इसको बार बार देखिएगा, बार बार देखने के बाद आपको याद होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा और निश्चित रूप से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे मेरे दोस्त।
निश्चित रूप से देखेंगे, बार बार सुनेंगे, सुनने के बाद याद होता है, स्पष्ट रूप में आपको पढ़ा गया है, स्पष्ट रूप में कहा गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।